यार फिर भी इसको ऑप्शन मिल जा रहा है हमारे को वो ये वाला हेलमेट रॉबरी ये भी नहीं। आप लोग नवी गाड़ी लोगे और ऐसा डर जाओगे कि अरे भैया ये गाड़ी इतनी हिट क्यों मार रही है। पाकिस्तान में ये सेम गाड़ी है लायन सिग्मा, इसकी पावर है। परफेक्ट। जी तो टाइम हो रहा लगभग 5:26 और हम आए हैं गोरेगांव। क्यों आए हैं गोरेगांव? समथिंग वेरी स्पेशल। दिन की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मोहम्मद शहबाज, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल अमेज़न ब्लॉग। तो आज हम आए सपनों के म्यूजियम में, जहाँ पर हर एक 18 साल के लड़के का सपना होता है यहाँ पर आना और अपनी दुल्हन को लेके जाना। तो आज हम आए गोरेगांव सूर्योदय बजाज एग्जीक्यूटिव शोरूम अपने सपनों की ड्रीम बाइक लेने। और वो ड्रीम बाइक है किसकी वो नहीं बताएगी, वो थोड़ा सस्पेंस ड्रीम बाइक। तो आप कमेंट्स में करके बताओ किसकी बाइक है। आगे आगे वीडियो में तो पता चल जाएगा किसकी बाइक है, अगर आप कमेंट्स में बताओ किसकी बाइक है। बोलो कबूल है। बोल कबूल है। फिर भी इसको ऑप्शन मिल जा रहा है हमारे को वो ये वाला हेलमेट रॉबरी ये भी नहीं, इससे और खतरनाक वाला था वो। तो फिर भी अच्छा है, वो चाचा लोग यूज नहीं करते हेलमेट का। कौन सा लेगा ये है मेरे को तो फिर भी ऑरेंज दोनों ही सही है। कुछ नहीं है। हां बे डकैत लग रहा है। मक्कीज वाला अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देखा है वो वैसे ही दिख रहा होगा। बस हो गया। बस हो गया, इतने इतने मिले वाले। जाओ घर पे जाओ, हो गया आपका। घर पे लेके चलते हैं। ओके जी, तो RS 2024 एडिशन ऑलरेडी हम रिलायबल, क्या कहते हैं आपके रिलायबल कस्टमर हुए ना 7.5 साल से, तो ऑलरेडी है हमारे पास गाड़ी। क्या बात है, फील है। अगर मैं 20 नहीं लेता था तो ये शायद ले लिया होता था। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बंदा वही समझ सकता है जो हर महीने की जो सैलरी में से वो थोड़ा थोड़ा जो पैसा जमा करता है ना, डाउन पेमेंट बोलो या फुली अमाउंट बोलो, कि नहीं यार अपने को ड्रीम बाइक लेना। तो ये वो ड्रीम बॉय, ड्रीम बॉय, ड्रीम बाइक। अभी अर्शद बस एक ही काम कर रहा है सुबह से, क्या खुलने का। आओ टूल किट चेक कराओ इसकी। ये रहा मैट किट, जो कि ये मैट किट पता है, ये मैट किट मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। अभी भी पड़ा हुआ है 7 साल से, बुकरी लग गई रही। अभी भी मैट किट पड़ा हुआ है मेरे, एक्सपायर हो गया रहेगा। मैंने पकड़ ये क्या काम के, कभी ये भी नहीं आया मुझे काम में। तू मैकेनिक इधर को क्यों काम में आएगा, मैं लिए बता। यार अपना नटबोल्ट वटबोल्ट ही चालू हो जाता है। पल्सर RS 2024 लिमिटेड एडिशन तो नहीं बोल सकता इसको मैं, बाकी लिमिटेड एडिशन वो वाली है। मैं तो बोल रहा था वो ले ले, बाइक है वो किसकी, मार्क्स मक्यूज। बाकी ये बंदा गाड़ी लेने है और इसने टेस्ट ड्राइव भी लिया है। अभी टेस्ट ड्राइव ले। किडनैपिंग हेलमेट के साथ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही होगी, मेरी आ रही कि नहीं पता नहीं, मगर ये किडनैपिंग हेलमेट के साथ
नहीं गाड़ी में है यार, वो जो वाइब्रेशन जो आता है ना गाड़ी में, यहाँ से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये गाड़ी के लिए बस एक लाइन बोलना चाहूँगा, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट क्या कहते हैं इसको, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी कुछ है ना। जल्दी बोल, पनवेल निकलना है क्या, क्या? अभी ये गाड़ी का सीन है, पहले डालेंगे हम पेट्रोल 500-600 का पेट्रोल डालेंगे मजबूत वाला, और उसके बाद हम लेंगे एक अच्छा सा हेलमेट जो कि गाड़ी के कलर के हिसाब से, और एक माशाल्लाह का सिग्नेचर स्टिकर जो कि हमारी गाड़ी पर भी वहाँ पर, भाई सब बढ़िया है। अपन ये गाड़ी की डिलीवरी लेने आएंगे, KTM 390 एडवेंचर टूरर, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, 10,000 करवा दो तो इंशाल्लाह अपन ले लेंगे। क्या है गाड़ी 390 KTM के शोरूम के अंदर, वो भी गाड़ी हस्क वरना, बहुत से लोगों को पता है क्या नहीं, दो कैटेगरी वाले आईडी थी, विप पिलियन और एक थी स्वाप पिलियन, इसमें से मेरे को दोनों ही पसंद है। आई ओनली प्रेफर KTM, KTM जो लोग छपरी बोलते KTM को, उनको नहीं पता है कि KTM के असल पावर क्या है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो छपरी, और जो अफोर्ड करी उनको पता है कि वो क्या है। मैं गाड़ी की साउंड सुनाते हैं आपको, यहाँ से ना ये गाड़ी का ना साउंड ऐसा, यहाँ से ऐसा पूरा ऐसा नीचे जाता है, उसके बाद पानी गिर रहा है वे, पानी गिर रहा है, ऑयल लीकेज हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, बाकी मजा आ रहा है, वो कल रात से आज की शाम तो वापस रात, ये पानी है ना, क्या गिर रहा है, पानी गिर रहा है ना, यही चलो मेरी गाड़ी, ये गाड़ी चलाना टफ नहीं है, वो गाड़ी चलाना टफ नहीं, ये चलाना टफ है, पावर चलाता है, बहुत पावर है, उसका पावर है, टाइम सिग्मा उसकी पावर है, वो टाइगर सिग्मा है। हाँ मैं तो बताना भूल गया, पाकिस्तान ने सेम रेप्लिका बनाया पता, टाइम सिग्मा माशाल्लाह टैटू लगाएंगे, माशाल्लाह टैटू सही करके, गाड़ी में पेट्रोल डलाना है, और गाड़ी में पहला पेट्रोल 501, सोचा था 786 जलाओ, लेकिन 786 नहीं 501 रुपए का डला है। बाकी ये गाड़ी चलाने मजा बहुत आ रही है, मन कर रहा तान दूं, लेकिन नवी नवी गाड़ी है ना तो खींच नहीं सकता ज्यादा, फैंस आ गए मेरे, फैंस स्पोर्ट बाइक लेके जा रहा हूँ, 501 ऊपर रखे जाना, ऊपर रखे जाना, पहली गाड़ी में सबसे पहला फ्रेश ऑयल निकलते के साथ सीधा बिस्लेरी को मुंह लगाई गाड़ी में, मोटर व्लॉगिंग जुगाड़ू मोटर व्लॉगिंग सेटअप, यानी एक गाड़ी अभी मैं फिलहाल एक हाथ से चला रहा हूँ, जस्ट टू गिव यू अ शॉट कि ये गाड़ी का परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से अभी नवी नवी है, इसीलिए गाड़ी को अकेला थोड़ा बीच साइड लेके जाओगे ना तब ये गाड़ी का मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह, एंड आप लोग को इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा एक्चुअल में परफॉर्मेंस है कैसा। अभी तो फिलहाल मेरे को स्मूथ लग रही है, ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, वही बात है यार, मतलब वही है, जमा करो पैसे, कमाओ सैलरी वैलरी थोड़ा अच्छा लाओ, हर किसी को नसीब नहीं होता, बट वही मैं जैसे कि मैंने बताया हर 18 साल के लड़के का ये ड्रीम होता है खुद की ड्रीम बाइक लूं, बाकी सब बढ़िया है और क्या, जल्द ही आपको इसका एक प्रॉपर रिव्यू व्लॉग में मेरे चैनल पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। गाड़ी का पहले एक हेलमेट लेना है अच्छा सा, क्योंकि ये जो हेलमेट है ये बैकअप हेलमेट है, और इसके ऊपर हमारी माशाल्लाह का स्टिकर भी लगाए गए हम, अगर मैं ये गाड़ी नहीं लेता, अगर 220 नहीं लेता ना तो दिस बाइक गोना बी माय सेकंड चॉइस की मैं हाँ इसी के ऊपर जाता। गाड़ी का जो फील है ये जो फेयरिंग, बिकॉज आई एम अ फेयरिंग लवर, मेरे को वो नेकेड बाइक आई डोंट नो बहुत से लोगों को पसंद होगी जैसा Z900 वाला है, बट मेरे को ऐसा कि फेयरिंग गाड़ी अपने को ऐसा दिल पे लगती है कि फेयरिंग ऐसा दिखता भी यार, सीधी सी बात है, आई मीन तुमने खर्चा किए हो, मतलब अगर तुम 2.5 लाख रुपए डाल रहे हो, 2.5-3 लाख रुपए डाल रहे हो, 2.5-3 लाख रुपए डाल रहे हो, ऐसा लगना भी तो चाहिए ना कि मतलब ये भाई खर्चा किए। ये गाड़ी चलाने में को बहुत मजा आ रही है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाइकर कम्युनिटी के एक बंदे दिखे थे, इंशाल्लाह अपन भी ऐसी कोई सेटअप वाली बाइक लेंगे
हाँ मैं ये कह रहा था जनरली लोग डर जाते हैं, गाड़ी हीटअप मार रही है, अभी तो लिया नवी नवी, ऐसा क्या काम आ गया। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती ये सब में, क्योंकि गाड़ी के सारे नट बोल वगैरह और अंदर के पिस्टन वगैरह सारे सूखे रहते हैं और ये नए नए रिवॉल्व मतलब रनअप पे चालू हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे गाड़ी के इंजन ये वो गर्म होता है ना, तो नॉर्मल है, ये सब गर्म होता ही है और ये ओवर हीट भी हो जाता है कभी कभी, बट इससे कुछ गाड़ी को हार्म नहीं होता है। 500 किलोमीटर पे या समझो मेरे जैसे होगे तो आप 350-400 पे पहली सर्विसिंग करवाओगे ना, पहली और दूसरी सर्विसिंग के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाती है, डरने की कुछ ऐसी आवश्यकता है नहीं। शाम का समय हो गया एंड ट्रैफिक भी धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड मैं ये मोटर व्लॉगिंग जुगाड़ू तरीके से कर रहा हूँ अपने रिस्क में नवी गाड़ी के साथ। यहाँ से पहले अपन हेलमेट उठाएंगे। भाई साहब क्या ही चटके, पूरा गरम गरम हो गई, चटके चटके मार रहे। कटारा भी बड़े गरम हो गए ना। कटारा क्या बोल रहे थे? कटारा नहीं है, अपनी मैलिफिसेंट है वो। अभी हम आए वेगा का हेलमेट देखने, वेगा दुकान का नाम ही वेगा। हेलमेट देखिए, स्टील बर्ड का देखिए, कोई वो वाला एरोडायनामिक वाला, ये अच्छा ना, एस्थेटिक नहीं यार, क्या कॉमिक टाइप। हां अच्छा ट्राई करके देखो इसमें साइजेस का क्या सीन है। ये यूनिवर्सल साइज, टाइट ही होना चाहिए, वो लूज हो जाएगा। ये वाला ट्राई कर अभी, बता दे इधर रख देना वैसे। अरे भाई ये रहा वैसे, गाड़ी में भी शूट हो रहा है वो फ्लेम फ्लेम वाला ना, वो नहीं बहुत मजा है ना, ये मजा गाड़ी में देखा है तो वो ले ही रहे तो डबल वाइजर मिल गया वो ऐसा हो जो पीछे लग गया ना वो वाइजर में इंस्टेंशन में स्पॉइलर डाल दो वो सब अलग रहा, वो ग्राफिक इसमें नहीं, क्योंकि ये नहीं कर रहा उसमें नहीं तो मतलब ले रहे ना इस बार ये वाला ले अभी तो सब वही है ये अभी यही पैटर्न आ रहे मजेदार। इसका क्या बोल रहे हो तुम? 21 का 2100। अरे हेलमेट पसंद तो आया लेकिन एक बार बाजू में भी चेक कर लेते, कॉमिक वाला एक अच्छा लगा है लेकिन वो ग्रे वाला ज्यादा मैच हो रहा है, कोई ना आगे देख लेंगे एक बार। देख लेकिन कोई दूसरा देख, यहाँ पर कलेक्शन अच्छा है मगर ग्रे में कोई दूसरा ऑप्शन, ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। फिर नहा लिया। अरे ये अभी वो मंकी वाला है क्या? क्या डबल वाइजर है ये? अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या निकाल दिए तुमने, क्या स्टार्ट का है, किसका है स्टार्ट का है? 3000 रुपया। अच्छा लगा तो तुमने भाव प्राइस ही बढ़ा दिए यार। और वो जो तुम्हारे हाथ में वो ले अब्बा आरएस पे बैठेगा। इस बार पूरा बोले लाइस ने। लोग देखिए ये वाला हेलमेट जो कि एक भाव ने बहुत अच्छा डिस्काउंट के साथ कंपनी से हमको मिला, वो कंपनी से ये मिला, ये ओरिजिनल केटीएम वाले का कलर मिला। ये हेलमेट की क्वालिटी एकदम आर्टिस्टिक क्वालिटी, देखो लेदर वाला हेलमेट। हाँ यार इसको पहन के ऐसा गेंद बन के ऐसा भाई, इतनी गर्मी हो रही है ना, ये हेलमेट में अंडा डाल दें सर पे चूजा बन के निकलेगा। चलो 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 आ जाओ गाइस आ जाओ। अब सबसे बड़ा टास्क है मिड चौकी क्रॉस करना। गाड़ी किसकी है वो बंदा टाइम आ गया, इंशाल्लाह सुपर बाइक की डिलीवरी देगा। ओके जी तो टाइम हो रहा है लगभग अरे अबे इसमें फ्लिकर आ रहा है, देखना फ्लिकर आ रहा है, अबे फ्लिकर क्यों आ रहा है इसमें मगर ये ब्लॉगिंग।